नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टू फोर जी स्टडी में आज हम बात करेंगे फिर से राजस्थान करंट अफेयर्स की राजस्थान करंट अफेयर्स डेली मॉर्निंग में क्लास लगती है इस क्लास में हम बात करेंगे आज 20 मार्च 2023 तक जितने भी करंट अफेयर्स के फैक्ट बनते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं बने रहिए हमारे साथ जितनी भी पीडीएफ आपको चाहिए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं बात करेंगे आज के पहले फैक्ट की हर वीडियो के अंदर हम जिले की भी बात करते हैं तो लास्ट के अंदर हम ज़िले की बात करेंगे तो बने रहिए वीडियो को स्किप नहीं करना है थार महोत्सव दो का आयोजन किस ज़िले में किया गया थार महोत्सव दो का आयोजन बाड़मेर ज़िले में किया गया थार महोत्सव 2023 बाड़मेर ज़िला तो बाड़मेर ज़िले में प्रदेश की जो लोक कला है और संस्कृति है उनको बढ़ावा देने के लिए बाड़मेर में 18 मार्च से ये शुभारंभ हो गया है और ये थार जो महोत्सव है वो ये तीन दिवसीय थार महोत्सव है जो जिसका आयोजन किया जा रहा है इसके अंदर जो प्रदर्शनियाँ हैं उनकी भी हम बात करेंगे बने रही हमारे साथ इस वीडियो के अंदर स्किप नहीं करना है पूरी चर्चा हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर थार श्री और थार सुंदरी के खिताब किसे प्रदान किया गया ये खिताब है ये जो किताब है ये बाड़मेर के जो बाड़मेर महोत्सव है उसके अंदर प्रदान किया गया प्रदर्शनी आयोजित की गई थी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी थार श्री और थार सुंदरी इन दोनों का खिताब जो मिला है वो मिला है थार श्री मिला है विक्रम सिंह सोलंकी को और जो थार सुंदरी है ये मिला है कोलम कोमल सिद्ध को तो तीन दिवसीय थार महोत्सव कार्यक्रम के पहले तीन आदर्श जो तीन दिन है वो आदर्श स्टेडियम में आयोजित किए गए और इसके अंदर प्रतियोगिता रखी गई जिसके अंदर थार श्री चुना जाना था और थार सुंदरी चुना जाना था थार श्री है वो विक्रम सिंह सोलंकी को चुना गया और थार सुंदरी है ये कोमल सिद्ध को चुना गया तो ये दो नाम याद रखने हैं इसी प्रकार कोई भी महोत्सव होता है उसके अंदर कोई ना कोई प्रतियोगिता है वो आयोजित की जाती है जैसे मरु महोत्सव के अंदर आयोजित किए गए थे प्रतियोगिता और उसके अंदर भी जो मिस मुमल है वो और जो अपने बात करें मिस पोकरण मिस्टर पोकरण है उनको चुना गया तो यहाँ पे बाड़मेर महोत्सव के अंदर श्री और थार सुंदरी है ये चुना गया तो ये बता दिया मैंने कि बाड़मेर के अंदर अठारह मार्च से ये शुभारम हो चुका है मरु महोत्सव का थार महोत्सव का थार महोत्सव बाड़मेर में और मरु महोत्सव जो है वो जैसलमेर के अंदर आयोजित किया जाता है अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला फैक्ट जो है हमारा हाल ही में किस जिले के अंदर बास्केटबॉल और हैंडबॉल अकादमी है वो शुरू की गई है बास्केटबॉल अकादमी शुरू की गई है किस जिले के अंदर हैडबॉल सॉरी बास्केटबॉल हैंडबॉल के सिंथेटिक कोर्ट का शिलान्यास किया जाएगा तो ये क्वेश्चन आपका बनता है इसके अंदर तो अभी मैंने पीछे बताया था सिंथेटिक जो ट्रैक है वो सिक्कर ज़िले के अंदर सिंथेटिक जो ट्रैक है वो सिक्कर ज़िले के अंदर और जयपुर के अंदर है वो बनाया जाएगा सबसे पहले जयपुर के अंदर उसके बाद में सिक्कर के अंदर बनाया जाएगा तो ये सिंथेटिक ट्रैक की मैंने बात की और अभी ये बात कर रहे हैं बास्केटबॉल और हैंडबॉल के सिंथेटिक कोर्ट की तो इसका जो शिलान्यास है वो रविवार को साधुल स्पोर्ट्स स्कूल के अंदर किया गया जो जिला है बीकानेर बीकानेर के अंदर बास्केटबॉल और हैंडबॉल के सिंथेटिक कोर्ट का शिलान्यास किया गया इस कार्य के अंदर कुल कितने रुपये व्यय किए जाएंगे साठ लाख तेईस हजार रुपये खर्चे वो आएगा राजस्थान के वर्तमान में जो खेल मंत्री है वो अशोक चांदना है लेकिन इसका शिलान्यास किया है वो बीडी कल्ला ने किया है बीडी कल्ला कौन है शिक्षा मंत्री है राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और राजस्थान के वर्तमान में खेल मंत्री अशोक चांदना अगली बात करें नशा मुक्त राजस्थान नशा मुक्त राजस्थान की बात करें तो नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय आयुक्तालय के गठन को मंजूरी दी है इसका प्रमुख आयुक्त कौन होगा तो इसके जो प्रमुख आयुक्त है वो है गृह शासन सचिव गृह शासन सचिव को प्रमुख आयुक्त बनाया गया मेन जो लीडर इसका आयुक्त है वो बनाया गया है गृह शासन सचिव को तो इसकी बात करें राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और एंटी नार्कोटिक्स यूनिट के गठन के प्रस्ताव को सितंबर 2022 में मंजूरी प्रदान की है तो ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीई के एग्जाम में ये मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो के अंदर कि ये क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट बनता है और आगे ये रिपीट हो सकता है सितंबर 2022 में मंजूरी प्रदान की है नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय प्रमुख गृह शासन सचिव को बनाया गया है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है अगला प्रश्न राजस्थान हस्तशिल्प रतन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है राजस्थान हस्तशिल्प रतन पुरस्कार जो है वो राजस्थान के अंदर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदान किया गया और बेहतर प्रदर्शन करने वाले उद्यमियों को ये उद्योग रतन अवार्ड निर्यात पुरस्कार है वो दिया गया जिसके अंदर हस्तशिल्प राजस्थान रतन पुरस्कार है वो दिया गया किसको दिया गया बाबूलाल मरोटिया को बाबूलाल मरोटिया कौन जयपुर के हैं राजस्थान बुनकर रतन पुरस्कार जो है वो गंगा सिंह गौतम दोसा को दिया गया गंगा सिंह गौतम दोसा और बाबूलाल मरोटिया जयपुर इन दोनों को ये पुरस्कार अलग अलग दिए गए बाबूलाल मरोटिया को हस्तशिल्प रतन पुरस्कार दिया गया और गंगा सिंह गौतम को राजस्थान बुनकर रतन पुरस्कार है वो दिया गया दोनों अलग अलग जिले से बिलोंग करते हैं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो है राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स एप न्योनेटोलॉजी संस्थान की स्थापना की जाएगी तो यह पेपर में आ चुका है दोस्तों सीई के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिएगा पीडियाट्रिक्स एप नियोनोजी संस्थान की स्थापना जो है वो जे मेडिकल कॉलेज अजमेर के अंदर की जाएगी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में अच्छे से कर लेना मेडिकल कॉलेज है इसके बारे में मैंने आपको बताया ये अजमेर के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी हम इस जिले के अंदर बात करते हैं कोटा की कोटा का जो शुभंकर है वो उद्विलाप है परिवहन कोड जो आरजे नंबर आरजे बीस है, है। स्थापना सोलह के अंदर होती है इसके जो प्रमुख उपनाम है उनमें देखिए राजस्थान का नंद ग्राम है कोटा को कहते हैं शिक्षा नगरी कोटा को कहते हैं राजस्थान का कानपुर है वो कोटा को कहते हैं आधुनिक भारत का नालंदा किसे कहते हैं कोटा को कहते हैं उद्यानों का शहर भी किसे कहा जाता है कोटा को और राजस्थान की औद्योगिक नगरी भी किसे कहा जाता है कोटा को कहा जाता है पर्यटक स्थल कोटा के अंदर कौन कौन से हैं देखिए दशहरा मेला लगता है कोटा के अंदर विभीषण मंदिर है कोटा के अंदर अबली मिनी का महल भी कोटा के अंदर है शारबाग भी कोटा में है जो कोटा के शासक है प्रमुख उनकी जो छतरियां बनी हुई है वो किस में बनी हुई है शारबाग में बनी हुई है नानता महल भी कोटा के अंदर है कणव ऋषि का आश्रम ये नानता महल देखिए जो नसीराबाद से क्रांतिकारी जो अपने जो ब्रिटिश फौज आई थी नसीराबाद से लड़कर ये नानता महल के अंदर रुकी थी दो तीन दिन है नानता महल के अंदर रुकी थी कणव ऋषि का आश्रम कंसुआ कंसुआ कोटा के अंदर कर्णव ऋषि का आश्रम भी कोटा के अंदर है यहाँ स्नान होता है ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे तालाब बना हुआ है कोटा के बारे में बताया प्रमुख प्रश्न जो है कोटा के वो देखिए कोटा राज्य का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ 25 मार्च 1948 को 25 मार्च 1948 कोटा का राजस्थान संघ में विलय होता है पहला जो एकीकरण का संघ है वो 18 मार्च 1948 है दूसरा 25 मार्च 1948 यहां यहाँ अठारह की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था तो कोटा का शासक कौन था राम सिंह द्वितीय था स्वतंत्रता के समय कोटा का शासक कौन था भीम सिंह द्वितीय था रावठा तालाब किस जिले के अंदर है कोटा के अंदर है कोटा चित्रशैली का स्वर्ण काल किसे माना जाता है उमेश सिंह के शासनकाल को माना जाता है अबलिबिनी महल का निर्माण किसने करवाया मुकुंद सिंह ने करवाया तो ये कोटा के प्रमुख प्रश्न कोटा के बारे में मैंने आपको बताया प्रमुख प्रश्न मैंने आज के 20 मार्च 2022 तक के बताए चैनल को आप पहली बार चैनल से आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलने वाली है